कटनी, बड़ी ब्रेकिंग खबर। आयुध निर्माणी के गोलीकांड का आरोपी सकत सिंह अभी अभी सेना के सामने स्वयं को हथियार सहित खुद को सरेंडर कर दिया है। पिछले 40 घंटों के मशक्कत के बाद सेना करवा सकी आरोपी को आत्मसमर्पण। इस बात की पुष्टि अजय कुमार वर्क्स मैनेजर ने फैक्ट्री के अंदर से फोन कॉल से संपर्क करने पर किया। संवाददाता जाहिद हुसैन सिद्दीकी कटनी। जिसमें जो एक जेसीओ थे हमारे श्री अशोक सिकारा जी, उनको उन्हीं के एक हवलदार ने, जिनका नाम श्री सकत सिंह था, उन्होंने गोली मार दी थी और उनकी वहीं पे स्पॉट डेथ हो गई थी। अभी वो उसी दिन से फरार चल रहे थे अपने गन के साथ। आज मॉर्निंग में करीब 9:50 AM के लगभग में उन्होंने गन के साथ आत्मसमर्पण कर दिया है और उनसे अभी बातचीत चल रही है और जो भी कार्रवाई है पुलिस और आर्मी दोनों की, दोनों अपने कर रहे हैं। इस संबंध में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो भी डिस्ट्रिक्ट कटनी के हमारे DM साहब हैं, SP साहब हैं, ASP साहब हैं, CSP साहब हैं, सभी लोगों का भरपूर सहयोग मिला है और वो यहाँ पे पर्सनली भी आकर के उन्होंने पूरी तरह से जो भी हमारा ऑपरेशन था उसको लीडरशिप प्रोवाइड किया है और जिसके कारण ये सफल हो पाया है। इसी बीच हमारे DSC के जो लेफ्टिनेंट कर्नल डी मोहन हैं, वो भी दिन रात यहीं पर लगे हुए थे ताकि जल्दी से जल्दी ऑपरेशन कामयाब हो। और उन्होंने इस ऑपरेशन में जबलपुर के जो मध्य भारत उनका एरिया आता है और ग्रेनेडियर उनका रेजिमेंट है, उन सभी आर्मी लोगों का सहयोग लिया था। प्लस में जो वहां के जॉइंट डायरेक्टर DSC के हैं, उन्होंने भी भरपूर सहयोग दिया था। तो इसमें आर्मी और जो कटनी के पुलिस प्रशासन है, दोनों के काफ़ी पूरी तरह से सहयोग था, दोनों का जॉइंट ऑपरेशन था जिसके कारण ये कामयाब हो पाया है। और ऑपरेशन का बस यही लक्ष्य था कि आगे कोई और क्षतिपूर्ति ना हो किसी चीज़ की, और उसमें उन्होंने कामयाबी प्राप्त की है। जैसा कि आपको पहले ही बताया कि 9:50 से 10 बजे के लगभग में जो आरोपी हैं उन्होंने गन के साथ अपने आप को आत्मसमर्पण। सकत सिंह जिसे जो फैक्ट्री प्रशासन है उनकी अभी तक बात नहीं हो पाई है, और चूँकि ये मामला भी पुलिस प्रशासन और आर्मी का है तो ये सारी बातें और जो आगे की कार्रवाई है ये उन्हीं के तरफ। अभी कुछ उसने बताया क्या कि किस कारण से विवाद चल रहा था, क्या कारण था? और नहीं, ये सारी बातें अभी हमारे तरफ से कुछ भी हमें प्राप्त नहीं हुई है, अगर प्राप्त होती है तो बाद में। कंपनी बंद रही, कितने का नुकसान होगा लगभग कंपनी को? दो तीन दिन से बंद रही, 40-42 घंटों से। नहीं, जैसे आपका शनिवार के मैक्सिमम लोग जो है वो आधे दिन ही चलता है हमारा शनिवार, रविवार हमारा बंद ही था, कुछ लोग नाइट शिफ्ट में थे, इसका कोई नुकसान नहीं होगा। और हमारे कर्मचारी जो हैं वो दिन रात लग करके अगर जो भी नुकसान है उसकी भरपाई करते हैं। मशीन जैसा बता रहे, मशीन चालू है तो कुछ खराब होने का भी रहा नुकसान? नहीं, वो सब हम लोग देख लेंगे। हमारे जैसा हमने बताया कि अधिकारी और कर्मचारी जो आयुध निर्माणी के हैं वो हमेशा 24 घंटे काम करने के लिए तत्पर रहते हैं और वो उसी तरह अपना काम करके अगर जो एक दो घंटे की क्षति हुई होगी शनिवार की रात का जो शिफ्ट है उसको भरपूर उसकी भरपाई कर ली जाएगी। उसके लिए कोई ज़्यादा। आखिर इतना टाइम क्यों लगा पढ़ने उसको? इतना टाइम इसलिए लगा कि जो उनका मैंने पहले ही बताया कि स्ट्रेटजी यही था कि एक तो जो एक एक उन्होंने मार दिया था तो एक आदमी की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। अब उनसे अगर कन्फ्रंटेशन किया जाता, उनके पास गन था तो इधर से भी गोलियां हो सकती है, चल सकती थी, उनके तरफ से भी चल सकती थी। तो ये स्ट्रेटजी यही था कि चूंकि वो कोई टेररिस्ट नहीं है, कोई क्रिमिनल तो है नहीं, कुछ प्रॉब्लम ऐसा उनके बीच हुआ जिसके कारण ऐसा हुआ, तो स्ट्रेटजी यही था कि वो खुद से आत्मसमर्पण करें और भी कोई क्षति से रोका जा सके। जब वो आत्मसमर्पण किया है तो उसके साथ बंदूक के साथ और क्या क्या था? नहीं, उनके हाथ में और जैसे मैं तो था नहीं और अभी रिपोर्ट भी नहीं है, लेकिन बंदूक उन्होंने उनके हाथ में था और कुछ खास था नहीं। सर, और कौन दो लोगों का और भी नाम ले रहा था, उसको सामने लाने की बात कर रहा था, वो कौन थे? नहीं, ये सब कुछ अभी पता नहीं चल पाया है। दो लोगों के नाम ले रहा था वैसे वो? नहीं, अभी कुछ सर नाम मालूम है। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम अजय कुमार हुआ, मैं यहाँ वर्क्स मैनेजर हूँ और फैक्ट्री का एडमिनिस्ट्रेशन सचिव।